नहीं ये रॉन्ग है, रीजन दसो पसीने से भरे हुए हैं। अच्छा दिन में कितने लोगों से ये करवा लेती हैं, आपस की बात है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब तरह की रेस लगी हुई है, कोई मशहूर हो रहा है तो कोई मशहूर होने के चक्कर में कैमरे के सामने बेइज्जत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले कुछ फनी और इंसल्टिंग मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले इस शैम्पू को देख लें, इसके साथ तो सरेआम ज्यादती हो रही है, वैसे व्यूज के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। जिंदगी और मौका है, मेरी जिंदगी बन जाए। नहीं बोलो नहीं कुछ भी, ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई, बॉस बॉस ये तो हिम्मत ले रहे हैं फिर। हाँ ना पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। गंदी थोड़ी है, मैं तो आपको आसार ही कर रहा हूँ। ओके कर लो भाई, सीरियस हम। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। दोस्तों पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी को प्रैंक कॉल करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक तो लोग महंगाई से परेशान हैं, ऊपर से ये लोग मस्तियां करते हैं। अब जरा मोहम्मद आमर की हालत भी देख लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई कौन करे? वालेकुम अस्सलाम, कौन सा? आंटी मैं क्रिकेटर मोहम्मद आमिर बोल रहा हूँ। मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर जी, फास्ट बॉलर। आपने क्रिकेट देखती है? मुझे घर के कामों से फुर्सत होगी तो मैं किसी। आप अभी समा टीवी लगाएं, आप देख लें। आप अभी समा टीवी लगाएं। तो आप लगाओ ना। अरे ये आप, ओह माय गॉड। दोस्तों अब आते हैं पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर की तरफ। ये बेचारे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, अब जरा इनकी मेहनत आप खुद देख लें। अब जरा इस लेजेंड को भी देख लें, इस भाई साहब ने भी अपने लिए कमाल का काम ढूंढ लिया है। दोस्तों आपने अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लेकिन आज इनको लड़ते हुए भी देख लें। ये लेजेंड तो एक दूसरे को सरेआम नंगी गालियां निकाल रहे हैं। देखिए जी, पहले तो दाढ़ी रख के झूठ बोलना लोग बंद कर दें। आप जैसे बेशरम आदमी से यही बात सुन सकते हैं हम औरतों को, क्योंकि आपने ना क्रिकेट में कुछ किया है, बातें करनी आती है आपको, खेलना कूदना आपको आता नहीं था, अब आपने यही बात करी। नहीं मैं इनकी बात नहीं सुनती, पर मेरे किसी सामने लाए थे कितने बड़े प्लेयर थे ये, और सिफारिश 200 है आपके 57 टेस्ट मैच कोई नहीं है क्रिकेट की बात करते हुए। आप जैसे को तो बोलना ही नहीं चाहिए क्रिकेट पे। इसी तरह दोस्तों कभी कभार लाइव कैमरे पर ये वाला सीन भी हो जाता है। अब ये बंदा नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। -8 डिग्री में सो किया था और मैं नंगे बॉडी था। नंगे बॉडी मतलब पैंट पहना। दोस्तों कभी कभार लाइव शो पर आपको ऐसे बंदे भी टक्कर ही जाते हैं। ये बंदा तो ज्यादा ही तेज बन रहा था, लेकिन आखिर में फैसल कुरैशी ने भी कमाल का छक्का मार दिया। मुझे ये बताओ कि कहाँ से ली हैं तुमने ये बकरियाँ? कौन सी, काली वाली सफेद वाली? काली वाली कहाँ से ली है? मैंने पंजाब से ली है काली वाली। अच्छा, और सफेद वाली? वही पंजाब से ली है। तो खिलाते क्या हो उसको, काली वाली को सफेद वाली को? सफेद वाली को, वो तो चारा खाती है। तो काली वाली क्या खाती है? वो भी चारा खाती है। रुको जरा,
सबर करो तो चला आप पूछो ये रहा बता रहे अब्बा कैसे काले वाले सफेद। दोस्तों इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, इस बेचारे के साथ तो मोए मोए हो गया। यही नहीं, जब आपका मीमर दोस्त रिपोर्टर बन जाए तो फिर वो ऐसी ही हरकतें करता है। अब ये कौन सी जर्नलिज्म है आप ही बता दे। अच्छा दिन में कितने लोगों से ये करवा लेती हैं, आपस की बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये रात के टाइम जो ये गलत काम करवाती हैं सेक्स सॉल्यूशंस, तो ये कितने बंदों से करवाती हैं एक दिन में? तीन चार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? फिर नहाती भी हैं। हाँ तो आप लोगों को सर्दी नहीं लगती? यहाँ पर भी ये न्यूज एंकर अपनी तरफ से बड़ी टेक्निकल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाले बंदे ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। की पॉपुलेशन के हवाले से कर लेते हैं, इब्तदा नतीज के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त 24,95,66,743 हो गई है, क्या कहेंगे? फिर आपने तकल्लुफ किया है 24,95,66,000 और सीधा कहो 5 करोड़, चूँकि आपके बोलते बोलते 1,00,000 का इजाफा हो गया होगा। चलो माशाल्लाह चांद सा बेटा, गुड़िया सी बेटी है ताऊ। दोस्तों अब इस फजूल खर्ची को भी देख लें, आजकल जो भी आता है इस मच्छर को जलील करके चला जाता है, अब तो इसकी बीवी भी इसके पीछे पड़ गई है। पिल्ला बाप बनने वाला है। वाह वाह मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाभी कमाल हो गया भाई, आपको यकीन था कि ये ऐसा हो जाएगा? हा? कमाल मैंने नहीं, इसने किया। शायर आप क्या चाहती हैं कि आपका जो बच्चा है वो मतलब किस पे जाए, आइडियल क्या है आपका? भाई किसी पे भी चला जाए, बस इस पे ना जाए। इंसान की बच्ची बन क्या कर रही है तू यार? इमोशनल। लो जी दोस्तों अब जरा इस प्रैंक को भी देख ले, ऐसे प्रैंक कौन करता है भला? शुक्र है इसने नीचे कुछ पहना हुआ था। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये वड़ना ये वड़ना है, ये वड़ गया है फार्म हाउस। इसी तरह जब मेरे जिगरी दोस्त को किसी लड़की की कॉल आ जाए फिर मेरे दोस्त की हालत कुछ यूं हो जाती है, जरा आप लोग भी देखिएगा। हेलो जी। हेलो बाबू। हाँ जी आवाज आ रही है? ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी तेरा क्या हाल है आपके? तेरा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पता नहीं क्यों। नोटी खा ली? दोस्तों जब आप नए नए सिंगर बन जाए और आपको लड़की के सामने गाना गाने का मौका मिल जाए तो आपकी हालत कुछ ऐसे ही होती है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में। दोस्तों ये थी आज का हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।